गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट पढ़े थे और अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस स्टार्ट करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वाज और प्यार आते हैं। हाँ, वर्ब में आए भी आता है, इसमें ये याद रखना है। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। Was, got, वर्ड में आई नहीं जोड़ना है और फिर ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव पर हुआ। एक एग्जाम्पल लेके इसके देख लेते हैं। हाँ, ट्रांसलेशन हिंदी एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। वह पत्र लिख रहा था। सब्जेक्ट वह है, सब्जेक्ट इसके अंग्रेजी ही होती है। इसके बाद हमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, वाज या वेयर। तो वाज वेयर में से कौन सा हमें सेलेक्ट करना है? ही सब्जेक्ट है, ये ही, तो ही के साथ वाज आता है, ही वाज। इसके बाद वर्ब हमको लिखना है, वर्ब है लिखना यानी राइट। इसके बाद आईएनजी इसमें जोड़ना है, तो इसमें आईएनजी हम जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट पत्र है, पत्र लिखेंगे, राइटिंग लेटर। यह अफर्मेटिव रहा। हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव सब्जेक्ट प्लस वाज, इसके बाद नॉट लिख देंगे, इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, इसके बाद एग्जांपल इसमें रहा था, रही थी आएगा। अब हमने देखा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये रही है, रहे हैं, आ रहा था, हिंदी की बात कर रहे हैं। अब देखिए वह है, इसके देखिए सब्जेक्ट रखना है, तो वह के लिए क्या हम रखेंगे? रही है तो सी रखेंगे, वाज, इसके बाद निगेटिव है, नॉट लगाएंगे। वर्ब रखना है पढ़ना, आईएनजी जोड़ देंगे, शी वाज नॉट रीडिंग बुक। ये निगेटिव हुआ। बस ये स्ट्रक्चर ध्यान से आपको समझना है। इसके बाद उसके जो जो चीजें लिखी हुई है सेम चीज कन्वर्ट कर देना है बस। आप चलते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए हमें ये पूरा करना पड़ेगा।
आपसे कि क्या तुम स्कूल जा रहे हो, तो स्टार्टिंग में वाज में रखेंगे इसकी अंग्रेजी के बजाय, तो वाज लिखेंगे कि वेयर लिखेंगे, यू है इसलिए हम वर लिखेंगे, वेयर यू, तो ये हो गया यार। इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट रख दिया यू, इसके बाद वर्ब रख दिया गो, आईएनजी जोड़ना है आईएनजी मैंने जोड़ दिया, गोइंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है स्कूल, लिख दिया। ये फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकंड टाइप का देख लेते हैं। यदि मुझे तुम स्कूल कब जा रहे थे, इसका स्ट्रक्चर हम आपको लिख देते हैं। अरे भैया एक मिनट, सेकेंड टाइम इसमें क्वेश्चन मार्क पहले रहेगा, इसके बाद वाज रहेगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब आई थी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। हाँ, अब एग्जांपल देखेंगे। तुम स्कूल कब जा रहे हो, स्कूल आना है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, कब है, कब के लिए क्या होती है, वेयर, इसको मैंने पहले लिखा। इसके बाद वाज वेयर में से कोई एक रखना है, यू है इसलिए हम वेयर यूज करेंगे वाज के बजाय, तो वेयर हो जाएगा व्हेन वार। इसके बाद सब्जेक्ट रखना है, तो सब्जेक्ट यू आएगा यहाँ पे, व्हेन वर यू, वर में आएंगे गोइंग, टू ऑब्जेक्ट रखना है स्कूल है, टू स्कूल क्वेश्चन, ये हो गया। अब सेकेंड टाइप हो गया, थर्ड टाइप, थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसको निकालना पड़ेगा। थर्ड टाइप का स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद नाउन, इसके बाद वाच, इसके बाद सब्जेक्ट, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, ये थर्ड वर्ड। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं।
देखिए तुम स्कूल किसके साथ, तुम स्कूल किसके साथ जा रहे थे? ये स्कूल आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड पद रखना है। अब देखिए किसके साथ, किसका किसकी के अंग्रेजी में बता दिया था, अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, ये साथ तो विथ होम, विथ होम फॉर यू गोइंग टू स्कूल, होम फॉर यू गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल किसके साथ जा रहे थे? इस पे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, दिख रहा कि नहीं, एक और एग्जाम्पल इस पर देते ताकि क्लियर हो जाए आपको। आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे, किसकी क्यों क्या होगी, खोज मैंने बताया था, इसके साथ नाम है बुक आएगा साथ में, विज बुक पर यू, विज बुक वेर यू रीडिंग, विज बुक कुछ बुक वेर यू रीडिंग, आप किसकी पुस्तक पढ़ रहे थे? तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा आज का क्लास, अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे खत्म हो गया है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।